दीक्षांत समारोह से ठीक एक दिन पहले देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता परिसर में घुसते हैं और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को एनएसयूआई से जुड़े कुछ छात्र नेताओं ने कुलपति कक्ष के बाहर ताला जड़ते हुए धरना दिया था, जिसके बाद करीब 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गुरुवार सुबह अचानक पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में जमकर तांडव मचाया और तोड़फोड़ की। हालांकि घटना के वक्त कुलपति अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे। घटना की जानकारी मिलते ही कुलपति भी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की बात भी कही। एनएसयूआई के द्वारा जो काम किया गया है, कल भी गलत काम किया गया था। वाइस चांसलर के कमरे को ताला लगाना और प्रोफेसर के चेंज करने की बात दोनों गलत थी, और आज जो छुट्टी के दिन आकर ये जो काम किया गया है, मोबाइल इस तोड़फोड़ से कहीं भला होने वाला नहीं है और तोड़फोड़ से हम डरने वाले भी नहीं हैं। ये तो इनकी कायरता का परिचय है। इस तरह के काम इनको करना नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान करके इन्होंने खुद का अपना नुकसान किया है। आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा, और जो पकड़ में आएंगे उससे पुलिस की कार्रवाई करवाएंगे। वही घटना की जाँच करने पहुँचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी से यहाँ कुछ लोग आए थे और यहाँ पर तोड़ फोड़ करके गए हुए हैं, तो उसकी जांच के लिए आए हुए जैसी। बहरहाल अब देखना होगा कि तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।